फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मैंगो आइसक्रीम। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो रेसिपी है वो बहुत ही इजी है, इसमें किसी भी व्हिप्ड क्रीम की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने बनाया है और आपको कुछ ऐसा इक्विपमेंट नहीं चाहिए जो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए होता है। तो ये बहुत ही यमी होने वाली है, बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी ये दिल जीत लेती है। इसका टेक्सचर, क्रीमीनेस बहुत ही अमेजिंग है। सो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए मैंगो की सीज़न में, वरना आप बोलेंगे कि इस वीडियो को नहीं देखा तो क्या देखा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए एक आम चाहिए, रेशेदार आम ना हो तो बहुत अच्छा है। इसे कट करके हम इसे पीस लेते हैं। तो एक बड़े साइज़ का आम था, हम इसे पीस रहे हैं। इस आइसक्रीम की खासियत यह है कि इसमें मैंगो का फ्लेवर अच्छा होना चाहिए, तो हमने इसे पीस लिया, इसलिए मैंने एक बड़ा आम लिया था। देखिए कितना स्मूथ बना है, मैं एक बार चम्मच से आपको दिखा देती हूँ। तो काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब हम और भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, बट इससे पहले थोड़ा सा आम हम डेकोरेशन के लिए अलग कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने प्लास्टिक बैग से की बना दी थी, तो उसमें मैं 2 से 3 चम्मच रख लेती हूँ, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। बाकी फुल मैंगो हम आइसक्रीम के लिए यूज़ करेंगे, तो हम कीप का काम कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप बना के सेपरेट रख सकते हैं। अब ये हम मैंगो में और चीज़ें ऐड कर रहे हैं। लाइक मैंने यहाँ 1/2 कप डाला है मिल्क का पाउडर, जो कि आपको फ्रेश लेना है। ये मिल्क का पाउडर पुराना नहीं होना चाहिए। अब हम 1/2 कप मिल्क ले रहे हैं, नॉर्मल ठंडा दूध है, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और अब और चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ मैं फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो आराम से मार्केट से मिल जाता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। व्हिप क्रीम में क्या इशू होता है कि इसे व्हिप करने की ज़रूरत पड़ती है, बट ये जो मेरी रेसिपी है बहुत ही ईजी है, इसमें किसी भी इस तरीके के इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 कप फ्रेश मिल्क आपको लेना है, इसे बीटर से व्हिप करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने डाल दिया है इसमें। अब हम चीनी डालेंगे, अगर आम थोड़ा सा मीठा है तो उसके हिसाब से आप चीनी डालिए, बट इसमें मैं 5 चम्मच चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन करके मिक्सी कर लिया है, तो बहुत ही स्मूथ हमारा पेस्ट बना है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, वरना क्या होगा, पानी ऐड करने से क्रिस्टल्स बनेंगे, तो वो नहीं बनना चाहिए। अब हम कोई भी डब्बा ले लेते हैं, कोई भी आपके पास आइसक्रीम का मोल्ड है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, सारा लिक्विड आराम से इस कंटेनर में आ गया है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसे टैप कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए, और जब आइसक्रीम ये फ्रीज़ हो तो उसमें बबल्स ना आए। इसे कवर कर लीजिए, अगर कवर नहीं है तो आप फॉइल पेपर से भी कवर कर सकते हैं। 5 से 6 घंटे के लिए आप फ्रीज़ कर दीजिए इस आइसक्रीम को, उसके बाद हम इसे निकालते हैं। बहुत ही अच्छा बना है, काफ़ी अच्छे से सॉलिड हो चुका है। साइड्स आप रिमूव कर लीजिए, आप चाकू से रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इस आइसक्रीम को थोड़ी देर के लिए आप बाहर रख सकते हैं, तो क्या होगा, साइड्स पिघल के अपने आप रिमूव हो जाएगी। फिर किसी भी बर्तन में आप इसे रख लीजिए, ये ईजिली निकल जाती है। तो जब ये डब्बा उठेगा तो मैं आपको दिखाऊँगी इसकी क्रीमीनेस। तो देखिए कितना क्रीमी हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसे आइसक्रीम जैसा फ्लेवर है इसका। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पिस्ता डाल रहे हैं डेकोरेशन के लिए। अगर आपके पास मैंगो फ्लेवर का टूटी फ्रूटी है वो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये डेकोरेशन भी सफिशियंट है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर देगा। इसे कट कर लीजिए अपने हिसाब से, जितने पीसेस में आपको कट करना है, जितना लोगों को आपको देना है इसे। तो मैं इसमें 4 से 5 पीसेस कट कर रही हूँ। अगर आपकी 4 to 5 मेंबर्स की फैमिली है तो आराम से आप इसे इंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ फिर से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।